अभी तक के सेशन में हम लोगों ने स्विंग के अंदर मेन्यू तक का ऑप्शन सीख लिया था, मेन्यू कैसे बनाना है। और लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने सिखाने जा रहा था कि एग्जीक्यूटेबल जार फाइल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जार फाइल जो होती है वो डबल क्लिक करके नहीं चलती है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो होती है वो डबल क्लिक करके चल जाती है। उस पर आप डबल क्लिक करो, वो रन हो जाती है। जैसे अभी मेन्यू वाला मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, मेन्यू डेमो, तो मेन्यू डेमो के लिए देखिए मैंने एक एग्जीक्यूटेबल जार भी बनाया है, जिसपे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सेम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, ऐसे डबल क्लिक करा, चल गया। तो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने के क्या क्या स्टेप होते हैं, देखिए, नोटपैड से बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, नोटपैड से बनाओगे टाइम लगेगा, टफ होगा, इक्लिप्स से बनाओगे आसान होगा। नोटपैड से भी बना सकते हो, नोटपैड से भी बनाने का ऑप्शन है, इक्लिप्स से भी बन सकता है, मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ठीक है, इक्लिप्स चला देते हैं। नोटपैड से बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर बाइट कोड का, यानी कि मेन्यू डॉट क्लास का मुझे बनाना है जार फाइल। तो ऐसे नोटपैड ओपन करेंगे, और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ से नोटपैड के सबसे 0 0 कोऑर्डिनेट पे, है ना, एकदम सबसे टॉप पे 0 कोऑर्डिनेट पे जाके ये लिखेंगे आप, MAIN मेन हाइफन क्लास, यहाँ M कैपिटल होगा और क्लास का C कैपिटल होगा, कॉलन, फिर स्पेस, फिर उस क्लास का नाम जिसका एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाना चाहते हो, लिख के एंटर मार देना है। ये पहला स्टेप एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने का, ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको नोटपैड पे जाके ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा मेन हाइफन क्लास, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर अपने क्लास का नाम लिख के एंटर मार दीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं एक मैनिफेस्ट फाइल बना रहा हूँ। मैनिफेस्ट फाइल कैसे बनती है, जब इसको हम डॉट एम एफ एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। तो मैं इसको एक्सटेंशन देता हूँ डेमो डॉट एम एफ दैट इज मैनिफेस्ट फाइल। कहाँ सेव करना है हमें, यहाँ से उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा हमें। जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है वहीं पे बनाऊंगा मैं, स्विंग फोल्डर के अंदर, इसके अंदर स्विंग वन, और यहाँ से हट गया ये, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या नाम दिया था, कुछ भी नाम दे दीजिए, डॉट एम एफ लिख दीजिए बस, के टी दे दिया मैंने, डॉट एम एफ। तो सबसे पहला काम ये है मैनिफेस्ट फाइल बनाना। उसके बाद आप क्या करेंगे, सी एम डी ओपन करेंगे और एक कमांड टाइप करेंगे, जार सी एम एफ, सी बी एफ होता है, सी एम एफ होता है, क्रिएट मैनिफेस्ट फाइल। किस नाम से बना है भाई, के टी डॉट एम एफ,
और जार किस नाम से बनाना है? मान लो मुझे बनाना है kkt.jar, बस हो गया। तो जार सी एम एफ, kkt.mf, kkt.jar, ये लिख के एंटर मार दीजिए। ठीक है, kkt.jar हमारा बन के आ गया, kkt, ये देखिए, जरा इस पर डबल क्लिक करके चलाओ, नहीं चल रहा है, स्टेप गड़बड़ हो गया क्या? शायद मैंने अपनी क्लास का नाम नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाहिए था कि किसके लिए बनाना है। तो डेमो डॉट क्लास, क्या नाम था, मेन्यू डेमो, सॉरी मेन्यू डेमो, मेन्यू, अरे सॉरी सॉरी, MENU, मेन्यू डेमो डॉट क्लास। अब देखे भाई, ठीक है, चल गया। तो ये होता है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने का कमांड। तो आपको एक मैनिफेस्ट फाइल बनानी होती है, मैनिफेस्ट फाइल में लिखना होता है मेन हाइफन क्लास कॉलन, अपने क्लास का नाम लिखना होता है, लिख के एंटर मार दीजिए, डॉट एम एफ एक्सटेंशन सेव कर दीजिए, फिर इस कमांड को चला दीजिए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? यस सर। इससे एक सेटअप तैयार हो गया, अब इस सेटअप को जहां मर्जी वहां ले जाओ, जिसके पास मर्जी उसके पास ले जाओ, पेन ड्राइव में कॉपी करो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर जेवीएम की जो जरूरत हो गई ना, बिल्कुल, इसके बिना कैसे होगा, वो तो जरूरत होगी ही होगी। तो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने का तरीका हो गया सीएमडी से, और एक बैच फाइल तो आप जानते ही हो, बीएटी एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं तो बैच फाइल बन जाती है कि नहीं भाई? अगर मान लो न्यू करके मैं टेक्स्ट फाइल में जाता हूँ और यहीं पे ओपन कर देता हूँ, लिख देता हूँ जावा मेन्यू डेमो, हमारी क्लास का नाम है, इसको सेव कर दिया मैंने, मेन्यू kkt.bat लिख दिया हमने, kkt.bat बैट एक्सटेंशन हमने लगा दिया, ठीक। तो बस अब kkt.bat को भी चला दो, लेकिन इस केस में आपको डॉट क्लास फाइल भी रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, या तो ऐसे चल जाएगा। और इक्लिप्स में कैसे बनता है जानते हो आप लोग? बहुत आसान होता है, आप उस एप्लीकेशन पे जाइए, जैसे ये हमारा GUI प्रोग्राम है ना, मान लीजिए इसको मुझे बनाना है GUI ऐप का, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, और एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे देखिए लिखा है रनेबल जार, जावा के अंदर रनेबल जार ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो मैनुअली यहाँ सर्च कर लो रनेबल जार लिख के, नेक्स्ट कर दो, रनेबल जार होता है या एग्जीक्यूटेबल जार होता है, देखें चार जार फाइल होता है बस, ओनली रनेबल जार होता है क्या, मे बी रनेबल जार ही होता है, तो ये नाम क्या दे रहा है ये? अच्छा जी, ये ब्राउज कह रहा है लोकेशन, लोकेशन ऑटोमेशन डॉट जार करके एक फाइल बनेगी अपने आप, ठीक हम यही रहने देते हैं, देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा ऊपर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओह सॉरी, ये मेरी क्लास का नाम है GUI प्रोग्रामिंग GUI ऐप ABCDEFG, ये है GUI ऐप, लेकिन इसका
ये नहीं है, यही है, बताइए आप लोग। नहीं सर, ये नहीं है, इसमें टेस्ट है ना। ये तो टेस्ट वाले प्रोजेक्ट का है, यस सर। जीवाई प्रोग्रामिंग करके प्रोजेक्ट बना होगा। सर्च कर लीजिए सर, सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहीं पे है देखिए, ये 5:30, 5:30 सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जी से तो आ रहा है बहुत सारा। जी यू आई ऐप, भाई एक ही जी यू आई ऐप है इस पूरे संसार में। यहाँ ये दिस वन, या ठीक है, तो बस ओके कर दीजिए, यहाँ जाइए और ये आपकी जार फाइल बन गई जिसका नाम है ऑटोमेशन। बस यही था ना, देखो डबल क्लिक करके चल रहा है ये, बढ़िया सेटअप फाइल बन गई आपकी, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बन गई, हो जाएगा। यस सर। तो फाइल में जाके बस एक्सपोर्ट ऑप्शन था, वहां से बन जाता है। चलिए जी, तो फिर स्विंग का काम आगे बढ़ाते हैं और अगला चीज आपको पढ़ाते हैं कि जे ऑप्शन पेन क्लास का क्या यूज होता है। देखिए जे ऑप्शन पेन एक ऐसी क्लास है, जे ऑप्शन पेन एक ऐसी क्लास है, जावा सी जे ऑप्शन पेन डॉट जावा, जावा जे ऑप्शन पेन। जे ऑप्शन पेन एक बनी बनाई क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट से हम, खैर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं, इसके पास स्टैटिक मेथड होंगे शायद, जिनसे हम तीन तरह के डायलॉग बना सकते हैं। एक होता है इनपुट डायलॉग जो आपके सामने दिख रहा है, एक होता है मैसेज डायलॉग वो भी बना सकते हैं, और एक होता है कन्फर्म डायलॉग। तो इनपुट डायलॉग में क्या होगा, आप इनपुट दोगे जैसे मैंने लिख दिया राम, है ना, ऐसे मैं इनपुट दे सकता हूँ, ओके करूँगा। तो ये है मैसेज डायलॉग, योर नेम इज राम, ठीक है, योर नेम इज राम, बताइए क्लियर है। और जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एक अब ये देखिए, ये जो डायलॉग आया है इसको हम बोलते हैं कन्फर्म डायलॉग, जिसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है यस या नो। अगर यस पे लिखोगे तो कुछ और एक्शन होगा, नो पे लिखोगे कुछ और एक्शन होगा। चलो यस लिख देते हैं, तो यू आर राइट, ओके। तो आपने देखा इसमें तीन तरह के डायलॉग थे, और ये कैसे बना, ये बना आपके जे ऑप्शन पेन क्लास से। तो बहुत आसान है, शायद मैंने जब इनपुट आउटपुट पढ़ाया था तो आपको इसका यूज भी किया था, अगर आपको याद हो यस सर, इनपुट देने। तो ये प्रोग्राम नहीं है, ये है हमारा, कौन सा प्रोग्राम हमने चलाया है, जे ऑप्शन डेमो, यही तो है जे ऑप्शन डेमो, जे ऑप्शन डेमो। तो फिर ये चल कोई और प्रोग्राम रहा है क्या, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो तो काम नहीं कर रहा है, या कर रहा है, शायद कर रहा है, मैंने दूसरा कंडीशन उसमें नहीं ना फॉलो करा है। इसमें पूछ रहा था स्विंग इज बेटर देन AWT, ध्यान नहीं दिया। योर नेम इज दिस, हाँ स्विंग इज बेटर देन AWT, हमने कहा नो, तो कह रहा है यू रॉन्ग, टेक रिटायरमेंट। अच्छा ठीक है, तो बहुत आसान सी क्लास है जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन।
और उसका मेथड था शो इनपुट डायलॉग। इसमें दो पैरामीटर जाता है, एक पैरामीटर में हमें नहीं चाहिए था वैल्यू इसलिए हमने नल डाल दिया। और इस पर्टिकुलर लाइन, एक लाइन के कोड लिखने से आपका ये इनपुट डायलॉग ओपन होके आ गया, ये अब ओपन होके आ गया इस एक लाइन के कोड से। क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब आपने जो इनपुट दिया तो क्या वो नल है? अगर नल नहीं है तो आपने कुछ वैल्यू दे दिया है, और जो भी वैल्यू दिया है उसको कहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया गया? देखिए यहाँ पे लिखा है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, दिख रहा है? तो शो मैसेज डायलॉग उसके जस्ट नीचे वाली लाइन, शो मैसेज डायलॉग ये एल्स के अंदर, एल्स इफ के अंदर। हाँ ना ना ना, वो वाली लाइन नहीं यार। अरे भाई इफ के अंदर, इफ के अंदर, हाँ इफ के अंदर भी, एल्स इफ के अंदर। अच्छा एल्स इफ के अंदर दूसरा है। प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलेगा यार। मेन मेथड की पहली लाइन जो हमने हाईलाइट करी है, उसके बाद नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद तीसरी लाइन है, तीसरी चौथी लाइन है मतलब, जिसमें लिखा है योर नेम इज दिस, तो ये योर नेम इज वो स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया गया बस। अब इस ओके पे इवेंट करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? ये आपका कहलाता है मैसेज डायलॉग। तो मैसेज डायलॉग पे जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो अपन, या कुछ भी नहीं करोगे तब भी ये उसके बाद वाला लाइन है कन्फर्म डायलॉग की, है ना? यहाँ पे डायलॉग पे अपने आप क्लिक होता है, तो इसलिए आ गया कन्फर्म डायलॉग, जिसमें लिखा गया कि ए डब्ल्यू टी इज बेटर देन स्विंग इज बेटर देन ए डब्ल्यू टी। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है देखिए, एक यस है, एक नो है और एक कैंसिल है। ये हम बनाते नहीं, अपने आप आता है इसके अंदर। तो अगर ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर स्टैटिक कांस्टेंट बना के दिए गए हैं, अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तब भी ये इंटीजर रिटर्न करेगा, यस पे क्लिक करूँगा तब भी एक इंटीजर रिटर्न करेगा, कैंसिल पे क्लिक करूँगा तब भी करेगा, मतलब तीनों केसेस में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो चेक कर लिया गया क्या इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारा जो इसके अंदर आया है क्या इक्वल इक्वल टू यस ऑप्शन है या नो ऑप्शन है या कैंसिल ऑप्शन है, ये क्या है? तो ये आप बोलोगे कि सर ये यस ऑप्शन, नो ऑप्शन, ये सब क्या है? ये सब उसके अंदर के बने बनाए स्टैटिक कांस्टेंट हैं, जिन कांस्टेंट से अगर यस ऑप्शन होगा तो यू आर राइट, नो होगा तो यू आर रॉन्ग, ऐसे आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करोगे। तो यस ऑप्शन एक इंटीजर वैल्यू दे देता है ना, नहीं समझे? अरे भाई ये जो एस लिखा हुआ है, इस यस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक स्टैटिक कांस्टेंट बना दिया गया है जिसका नाम है यस, यस ऑप्शन सॉरी, और उसकी एक कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी। जब इस पे क्लिक करोगे तो आई में क्या पहुंच जाएगा, वो इंटीजर वैल्यू, यस ऑप्शन या नो ऑप्शन वाला, फिर उसके हिसाब से चल जाएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए एक बार, दो बार, तीन बार। सर समझ में आ गया, मुझे आ गया सर। यहाँ पर नहीं होता वो सर, एक्सीडेंट यहाँ सर अपने आप हो जाता है, यहाँ अपने आप। हाँ क्या कह रहे दीपक? ये सर नल क्यों पास किया है? क्या कह रहे हो कुलदीप? सर मैं कह रहा हूँ सर जहाँ वो बनानी है वो मतलब कोई जो वाली जिला है तो सर इस सब करते हैं ना। क्या क्या लिसनर वगैरह नहीं चलाना है इस पे? कुलदीप तुम्हारी आवाज कट रही है, मतलब इस पे लिसनर नहीं चलाना है। तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है।
कोई बना दे मुझे एक। क्विज बनाना है तो क्या करना चाहते हो, बना लो, तो क्या दिक्कत आ रही सर है? इसका बता देना, इस तरह से आपने इसमें डाल देंगे स्विंग बेटर देन डब्ल्यूटी, तो फिर अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऐसे कर सकते हो, इसमें ये जो यस और नो लिखा हुआ है ना, ये यस ऑप्शन नो ऑप्शन इसके अंदर कांस्टेंट पड़े हुए हैं, जी ऑप्शन पेन के अंदर वो उसको कंपेयर कर ले रहा है कि अगर यस ऑप्शन होगा तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, ऐसे करते रहो, इवेंट नहीं करना इस पे। देखो मैं नो पे कर रहा हूँ, कहाँ चला गया, नो ऑप्शन वाले में चला गया, समझ में आई बात? होगा नहीं, इस पे इवेंट नहीं होगा। अरे यार इवेंट करने की ज़रूरत ही क्या है जब इस पे ऑलरेडी इवेंट हो रहा है, ये डायलॉग है, डायलॉग पे ऑलरेडी इवेंट हो रहा है भाई, करने के लिए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तुम ऐसा ऑप्शन पे काम करना चाहते हो उसके अंदर कर लो, अलग से इस पे इवेंट क्यों करना चाहते हो जब इस पे ऑलरेडी हो रहा है इवेंट। जो भी तुम्हें काम करना है, क्विज बनाना है, जो भी एक्शन करना है, सर वो अलग से इसी में कर लो कंडीशन डाल के। क्या बोल दी? एक और ऑप्शन देना चाह रहा मैं था, कह रहा हूँ, ऑप्शन एक एक करके और यस बोलो, नो। एक एक करके बोलो। हाँ दीपक क्या बोल रहे हो, बोलो। कुलदीप का कहना यह है कि सर उसमें और ऑप्शन अगर वो देना चाहे तो यस नो की जगह अगर वो कोई मैसेज उसके अंदर प्रिंट कराना चाहे कि ये हो ये हो। यस नो, एक बात बताओ, जो कंफर्म डायलॉग आता है, म्यूट करिए बता रहा हूँ, जो कंफर्म डायलॉग आता है ना, ये इन्होंने बना बनाया ही हमें दिया हुआ है कि भैया यही यही चीज़ें इस पे दिख सकती हैं कंफर्म में, है ना, यस नो और कैंसिल, कंफर्म के केस में यही तीनों चीज़ें तो होती हैं, तो इन्होंने दे रखा है बना बनाया। अब यस नो और कैंसिल के जगह पे कुछ और अगर आप बटन लगाओगे, तो बटन लगाओगे तो फिर दूसरा चीज़ बना लो ना, फ्रेम बनाओ, बटन बनाओ, वो अलग चीज़ हो जाएगा, ये कोई डायलॉग नहीं रह जाएगा ना। अच्छा बाकी अब इसमें ये यस नो और कैंसिल जो आ रहा है, ये जे ऑप्शन पेन का ऑब्जेक्ट बनाने से, जे ऑप्शन पेन डॉट कन्फर्म डायलॉग बनाने से अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब इसको हटा नहीं सकते हैं कि कोई हम जुगाड़ लगा ले हट जाए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं, इसमें जो है वही रहेगा बस, और इसके अंदर ये कांस्टेंट जो हैं वही होंगे, या तो इस पे क्लिक करोगे तो इसलिए कांस्टेंट, ये नो और कैंसिल तीन पे कांस्टेंट बने बनाए, ठीक है। बाकी तुम्हें कुछ करना है, क्विज विज बनाना है ना, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बनाना है, तो उस टाइप का चीज़ जो है तुम अपना फॉर्म बनाओ, बटन बनाओ, उस पर करो, बटन लगाओ, बटन पे इवेंट करो, उसके लिए ये क्यों प्रेफर करोगे भाई? जे ऑप्शन पेन क्लास हम कब प्रेफर करेंगे, जब हमारी कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोजेक्ट हो, और प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम मान लो नोटपैड बना रहे हैं, और नोटपैड में हमने सेव बटन पे क्लिक किया, और जैसे हमने सेव बटन पे क्लिक किया, और हम चाहते हैं कि सेव बटन पे क्लिक करते ही अब वो हमसे पूछे कि डू यू वॉन्ट टू रियली क्लोज, यस या नो, तो यस लिखो, नो लिखो, कैंसिल लिखो, उस केस में बस इसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना। ये सर मुझे समझ में आ गया। बाकी बताओ कुलदीप। हाँ सर आ गया अमित क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं पूछूं? हेलो हाँ सर, ये नल क्यों पास किया हुआ है? कौन पूछ रहा है? दीपक। अमित ने कुछ पूछा था, अमित क्या पूछ रहा था? ठीक है, नहीं पूछ रहा था तो ना पूछे, आवाज नहीं आ रहा है अमित आपका। नहीं आ रहा है, देखिए नल इसलिए पास करा गया है क्योंकि यह मेथड दो पैरामीटर लेता है, एक में कोई कंपोनेंट टाइप का,
और एक मिस्ट्रिंग टाइप का। तो जो कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए कि किस कंपोनेंट में दिखाना है नहीं दिखाना है, इसलिए हमने उसको नल कर दिया, समझे। अगर फ्रेम लगा देंगे तो फ्रेम में चला दिखाएगा। हाँ, वो उस हिसाब से, हाँ बिल्कुल, उस कंपोनेंट को पास करोगे तो दिखाएगा। तुम जाके चेक कर लेना, जे ऑप्शन पेन क्लास का सो इनपुट डायलॉग मेथड, जहाँ हमने नल पास किया है वो जे कंपोनेंट लेता है शायद, मे बी कंपोनेंट लेता है मेरे ख्याल से, तो उसके जगह पे हमने नल पास कर दिया। ठीक है जी, तो ये पढ़ लिया आपने जे ऑप्शन पेन नाम की क्लास। ओके, इमेज बटन आपको बता ही दिया, जे ऑप्शन पेन बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट जावा सी, लिस्ट डेमो डॉट जावा, लिस्ट। अरे सर, आपकी स्क्रीन अटक अटक पे आ रही है। मेरी हाँ सर, तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन चला के दिखा देता हूँ कि क्या एप्लीकेशन है, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट डेमो। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना सिखाता हूँ, किस तरह से लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा लिस्ट है, यहाँ पे लाता हूँ मैं, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट से समझ लो आप, कि ये बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे आपको दिख रहे स्क्रीन होंगे। और भी बढ़िया आपकी। दीपक, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है मुझे, सॉरी आपको, या नहीं दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही है सर, तो कुलदीप तुम अपना नेटवर्क चेक स्क्रीन कर लो और भी भाई, बढ़िया आपकी। तुम नेटवर्क चेक कर लो अपना, ठीक है। सर दिखाई दे प्रोसेसर, लेकिन सर आप आ गए तो सर क्या हो रहा है। नेटवर्क नहीं होगा और क्या हो रहा होगा इसमें? और कोई जादू टोना हो रहा है क्या? जादू टोना तो नहीं हो रहा होगा। सर मेबी तो ये जो लिस्ट है, इस तरह से लिस्ट कैसे बनाओगे आप? अब लिस्ट में क्या करा है मैंने, देखो कीबोर्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो कीबोर्ड यहाँ दिख जाएगा, सीपीयू पे क्लिक करूंगा सीपीयू आ जाएगा, या माउस पे क्लिक करूंगा माउस आ जाएगा। मतलब एक, अगर मान लो आपको ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको ऐसे लिस्ट दिखाना है बहुत सारे आइटम, तो वो कैसे दिखाओगे? अच्छा, ये लिस्ट क्या है, मल्टी सेलेक्शन भी होता है, कंट्रोल प्लस करके आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। हो रहा है ना एक से ज़्यादा सेलेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्लास होती है जिसका नाम होता है जे लिस्ट, ठीक है। जे लिस्ट नाम की क्लास होती है जिससे यहाँ पे एक लिस्ट बन के आता है। तो अभी प्रोग्राम दिख रहा है सब लोगों को? यस ठीक है, तो मेन मेथड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक जे फ्रेम बनाया, उस पर क्लोजिंग का लॉजिक लिख दिया, उस पर लेआउट लगा लिया और जे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जे लिस्ट एक क्लास होती है जो लिस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपने जे ऑप्शन पेन पढ़ा, देखो क्लासेस ही पढ़ने हैं स्विंग में और कुछ नहीं है, कि आपको ये चीज़ करना है जी, वो चीज़ करना है जी, क्लास पढ़ो बस, मेथड पढ़ो। तो जे लिस्ट क्लास लिस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जे ऑप्शन पेन सो इनपुट और कन्फर्म और डायलॉग और कैंसिल डायलॉग, ये सब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इमेज बटन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन्यू मेन्यू बार मेन्यू आइटम, मेन्यूज मेन्यू बार मेन्यू आइटम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी तरह से जे लिस्ट क्लास एक लिस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एक जे लिस्ट जो क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मुझे
लिस्ट में आइटम दिखाने हैं ना, तो एरे बना दिया एक हमने। अच्छा, एक टेक्स्ट एरिया भी ले लिया है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये बगल में जो है वो टेक्स्ट एरिया है, ये लिस्ट के बगल में एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। तो टेक्स्ट एरिया नहीं, सॉरी, टेक्स्ट फील्ड बोलिए, टेक्स्ट एरिया तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो जिस पे आप क्लिक कर रहे हो तो ये बगल में टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है, तो ये टेक्स्ट फील्ड इससे बना है। और ये वो एरे लिया गया है जिस जो डेटा आपको दिखाना है, सीपीयू वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ से लेके मेन तक की ये पूरी कोडिंग समझ में आ गई या नहीं आई? जितना मैंने हाईलाइट किया है बस उतने की बात करूँ। यस सर। अब अगर मान लो कि आपको ये डेटा कीबोर्ड हुआ, सीपीयू हुआ, माउस हुआ, ये डेटाबेस से लाना है, तो बस यहाँ पे आप डेटाबेस से डेटा लेके आ जाओ और इनको एक एरे में डाल दो, तो वो आप कर सकते हो। जब डेटाबेस पढ़ोगे तो आप कर लोगे, और नहीं तो कहोगे तो मैं इसके जस्ट बाद डेटाबेस ही पढ़ा दूंगा आपको, तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेना। बाकी क्या है, अब देखिए लिस्ट पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो लिस्ट पे इवेंट हो रहा है, देख रहे हो, मतलब जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हो वो आइटम यहाँ पे दिख जा रहा है। यहाँ देखो, जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हो वो आपके टेक्स्ट फील्ड में दिख रहा है, इसका मतलब इस पे इवेंट हो रहा है। और जो लिस्ट पे इवेंट होता है उसका नाम है लिस्ट सेलेक्शन इवेंट। विच इवेंट? लिस्ट सेलेक्शन इवेंट। और उसके लिए लिसनर कौन सा होगा? लिस्ट सेलेक्शन लिसनर। जैसे एक्शन इवेंट होता है, माउस इवेंट होता है, की इवेंट होता है, ऐसे ही लिस्ट सेलेक्शन इवेंट होता है। तो जो लिस्ट सेलेक्शन इवेंट होता है वो किसी लिस्ट पे कॉल होता है। लिस्ट आइटम समझते हो ना, जैसे मोबाइल की लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट होती है, उसी तरह से कि बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ दिखाना कहीं पे, तो उसके लिए इवेंट होगा लिस्ट सेलेक्शन इवेंट। लिसनर होगा लिस्ट सेलेक्शन लिसनर। आप अपनी क्लास में देख लीजिए, लिस्ट डेमो इम्प्लीमेंट्स लिस्ट सेलेक्शन लिसनर लिखा हुआ है, लिखा है ना, क्लास डेमो इम्प्लीमेंट्स लिस्ट सेलेक्शन लिसनर। यस सर। और इसके कॉल बैक मेथड का नाम है वैल्यू चेंज्ड, जो कि यहाँ पे है, वैल्यू चेंज यहाँ पे है, कर से देखिए, वैल्यू चेंज, दिस इज द कॉल बैक मेथड, ठीक है। किसी लिस्ट पे जो हमने एरे में डेटा ले रखा है इसको दिखाना है ना, तो जे लिस्ट जो हमने बना रखा है इसी का मेथड होता है सेट विजिबल। सेट विजिबल, सेट डेटा, ठीक है। तो सेट डेटा में हमने आइटम पास कर दिया। व्हाट इज आइटम? आइटम क्या है? आइटम क्या है भाई? अरे यार। एरे है, बिल्कुल। आइटम मतलब एरे, वो एरे मतलब डेटा, डेटा उठा के डाल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट लिस्ट डेटा मेथड होता है वो एक एरे ले लेता है ना, बस। और उसके बाद देखिए एक मेथड है वेज विजिबल रो काउंट। विजिबल रो काउंट में क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन चला रहे हो तो आपको कितने लिस्ट दिख रहे हैं, कितने आइटम दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ, तीन तो इसीलिए सेट विजिबल रो काउंट 3 है। आप 4 लगा लो, 10 लगा दो, 1 लगा दो, उतने ही दिखेंगे, वन लगा दिया सर। तो लगा लीजिएगा, कोई मना कर रहा है? हाँ? ठीक है, नो बिल्कुल लगा लेना, मैं तो समझा सर। ये इसमें जो सेलेक्ट हुआ है, जैसे वो तो मैंने हम लोग क्लिक उसमें, किया है, वो तो मैंने उस पे इवेंट किया है तब सेलेक्ट हुआ है, तो मैंने इवेंट किया है उस पे तब हो रहा है, वो इवेंट की कहानी है, अभी उस पे रुकी है आप। ठीक है, तो इवेंट के लिए हमारा, चूंकि हमने लिस्ट सेलेक्शन लिसनर को ओवरराइड कर रखा है, और उसका जो कॉल बैक मेथड है वैल्यू चेंज, और जो रजिस्ट्रेशन वाला मेथड है उसका नाम है ऐड सेलेक्शन लिसनर, है ना, और उसमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया गया, ये है रजिस्ट्रेशन का मेथड, ठीक है। अच्छा, अब जे फ्रेम में हमने क्या कर रखा है, जे फ्रेम पे ऊपर हमने ऐड कर दिया स्क्रॉल पेन, और उसके अंदर जेएस डाल दिया। जेएस मतलब हो गया जे फ्रेम, जेएस, जेएस मतलब हमारा हो गया लिस्ट, यानी कि हमने अपने लिस्ट को स्क्रॉल पेन के अंदर डाल दिया है, इसलिए आपकी लिस्ट स्क्रॉलेबल है। ये जो लिस्ट है ये कैसा है? स्क्रॉलेबल, नहीं तो ऐसे सिंपल लिस्ट बन के आती, स्क्रॉलेबल नहीं बन के आती।
और उसके बगल में देखिए लिखा हुआ सेलेक्टेड आइटम्स, तो ये लेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया गया, उसकी विजिबिलिटी ट्रू कर दी गई। इधर टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो बताइए भैया, यहाँ से यहाँ तक की लाइन में कोई कोड में एक भी लाइन नहीं समझ में आ रहा, तो दो नहीं, 10 नहीं, 8 बार पूछिए। लेकिन अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं तो मान के चलूंगा आपको सब समझ में आ रहा है। सर ये जो हमने गेट एक्सपर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है सर, इसमें 10 पास क्या कर रहा है ये? ये 10 जो होता है साइज होता है, मतलब कितना बड़ा दिखेगा, वो चौड़ाई एक तरह से, लंबाई, चौड़ाई नहीं लंबाई टेक्स्ट फील्ड की, कितना लंबा होगा। ये नहीं कि इसमें 10 ही करेक्टर आएंगे, ये मत समझ लेना, ये इसकी लंबाई है एक तरह से, ठीक है। इसमें वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। और बताइए, ठीक है और बताइए। सारा समझ में आ रहा है एकदम? सर। ठीक है, अब बात करते हैं इतना है इवेंट की। अगर आपको कुछ नहीं पूछना है, एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, तीन बार देख लीजिए, अगर समझ में आ गया तो चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो कॉल बैक मेथड है जिसका नाम है लिस्ट सेलेक्शन इवेंट, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। इसके अंदर एक बने बनाए मेथड्स हैं, जैसे वहाँ होता था ना एक्शन लिसनर में एक्शन कमांड, यहाँ पे होता है गेट सेलेक्टेड वैल्यू मेथड, जिससे आप जो पर्टिकुलर एरे मतलब आइटम सेलेक्ट कर रहे हो वो इस एरे में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, है ना। अब मान लो कि मैंने कंट्रोल प्रेस करके और बहुत सारा आइटम सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये एरे में इसीलिए दिया गया है ना। एक वैल्यू होगा तो एक में आ जाएगा, 1000 होगा तो 1000 आ जाएगा। लेकिन अगर 1000 होगा तो उनके साथ मैंने देखो यहाँ कॉमा लगा लगा के सबको दिखाया टेक्स्ट फील्ड में, तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना के लेंथ तक का लूप चला के और उसमें ये कॉमा अपेंड करके और टू स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा दिया है तीसरे टेक्स्ट फील्ड में। तो ये इसका कोड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। नहीं समझ में आया दीपक, कुछ पूछ रहे थे? सर समझ गया। सर अगर एक ही सेलेक्ट करना है तो उसमें किसी का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहेगा? एक ही सेलेक्ट करना है तो एक ही सेलेक्ट कर लो, एक ही आ जाएगा, एरे नहीं आएगा, फिर लेंथ की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगी, 1 लब का लूप चलेगा, काम हो जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, जे लिस्ट। कुलदीप दिख रहा है?